नमस्ते दोस्तों, बीए टर्टल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो भी हमारे स्टॉक शॉर्टलिस्ट हुए हैं पीकेएस 001 इंट्राडे एंड पोजिशनल स्कैनर के अंदर, उन सभी स्टॉक्स को हम एनालिसिस भी करके देखेंगे और साथ में जो हमने स्कैनर में जो अपडेट किए उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि स्टॉक्स आज 10 से 11 स्टॉक्स उस स्कैनर में आए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखें और सभी स्टॉक्स के नाम मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जो अपडेट है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा इंट्राडे पोजिशनल स्टॉक स्कैनर जिसमें हम बोलिंजर बैंड के स्क्वीज पे ट्रेड करते हैं और उसके ब्रेकआउट पे। तो स्क्वीज की कंडीशन इसमें दे रखी है और ब्रेकआउट की कंडीशन इसमें दे रखी है। अगर आप स्कैनर का लिंक चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आज ये सभी स्टॉक्स ने इस स्कैनर में दिखाए गए हैं, तो हम एक एक करके सभी स्टॉक्स को देखते हैं। साथ ही में हम उनके अगर फाइनेंशियल्स देखना चाहते हैं तो भी हम screener.in पे जाके उसको देख सकते हैं कि वो फाइनेंशियली कितना स्टेबल कंपनी है, क्या आपको उसमें लंबे समय तक इन्वेस्ट कर सकते हैं या केवल आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर सकते हैं उसमें, कि अगर मोमेंटम आ रहा है, ब्रेकआउट हुआ है तो हाँ अपना ट्रेडिंग किया, कुछ पॉइंट निकाले और हम बाहर आ गए, और लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो उसके लिए फंडामेंटल्स उसके अच्छे होंगे तभी आप उसमें लंबे समय तक के लिए अपन रख सकते हैं। दोनों ही केस में क्या होगा कि अगर आप अपना ट्रेड कर रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस है वो ईएमए के थ्रू या सुपर ट्रेंड के थ्रू उसमें ट्रेल करते रहेंगे, और स्टॉप लॉस आपका जो होता है इसमें या तो उस जिस ब्रेकआउट कैंडल है उसी का लो आप लेके चलेंगे अगर छोटा स्टॉप लॉस लेके चलना चाहते हैं, और बड़ा स्टॉप लॉस अगर लेते हैं तो स्विंग लो का स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्विंग लो का स्टॉप लॉस जल्दी से हिट नहीं होता है और जो डे कैंडल का लो है वो बहुत बार हिट भी हो जाता है थोड़े दिनों के मूवमेंट के बाद। तो चलिए अपन देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो स्टॉक आया है इसमें, ये आप देखेंगे यहाँ पे तो 12 स्टॉक्स आए हुए हैं जिनके नाम हम देख लेते हैं। आईबीसी है जो IIFS इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लिमिटेड है, औरम प्रोटेक्ट लिमिटेड है, आर्ट्री लिमिटेड है, विनीत लेबोरेटरी लिमिटेड है, इंडस टावर लिमिटेड भी आया है आज, 7% का रिटर्न दिया है इसने। ये एक FNO स्टॉक्स भी है, AMJ लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने भी आज 6.5% का रिटर्न दिया, स्टार सीमेंट लिमिटेड और PNB ग्लिट्स लिमिटेड, एमई ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, राउट मोबाइल लिमिटेड और यूनाइटेड स्प्रिट लिमिटेड, ये 11 कंपनियों ने इसमें आए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी के चार्ट देख लेते हैं। आजकल स्क्रीनर ने काफी अच्छा चार्ट कर दिया है जिसमें हमें बैक टेस्टिंग भी साथ साथ में मिल जाती है, साथ साथ में मिल जाती है मतलब पहले कब ये स्क्रीनर में आया था वो भी आपको इसी चार्ट में आपको जब जूम आउट करके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। जैसे कि ये स्टॉक इस दिन भी आया था, इसमें इस दिन आया है तो इस जो ये येलो लाइन आपको दिख रही है तो इस दिन भी ये स्कैनर में आया था। ये देखिए बोलिंजर बैंड का ये स्क्वीज हो रहा था, उसने ब्रेकआउट किया और देखिए इसमें ये इस दिन भी आया था, उसके बाद भी इसने अच्छा रिटर्न दिया। अब देखिए अब ये यहाँ पे आया, इसने काफी बड़ा कैंडल बना दिया है ऑलरेडी, आज ही के दिन में 18.37% रिटर्न दिया। तो इतना ऊपर में आप बाय करेंगे अगेन ये नीचे आएगा और स्टॉप लॉस भी इसमें काफी लंबा हो जाता है। छोटा कैंडल बने, थोड़ा सा छोटा कैंडल बने तो उसमें थोड़ा छोटे स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। जैसे और अगर आप देखेंगे जूम आउट करके तो इसमें देखेंगे कि हमें यहाँ पे भी इसमें बाइंग का मिला था 29 मई 2023 को, तो ये अपडेटेड वर्जन से मिला है क्योंकि इसमें देखेंगे कि इस दिन स्टॉक में 3% का मूवमेंट नहीं हुआ, फिर भी बोलिंजर बैंड का स्क्वीज के साथ सुपर ट्रेंड को जब ब्रेकआउट किया है तब इसमें हमने इस ये कंडीशन हमने इसमें मॉडिफाई की है। तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से इसमें मिला है, तो आपको ये क्लियर होता है। अगर आप इंट्राडे कर रहे होते तो आपको जब ये ब्रेकआउट कर रहा होता तब आपको ये स्कैनर में आ जाता और आप उसके बेसिस पे इसमें पोजीशन ले सकते हैं। तो इंट्राडे में अगर आप पोजीशन ले रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि ये जो भी कैंडल आप इंट्राडे की अगर आप बात कर रहे हैं तो वो जो कैंडल है आप इंट्राडे के बेसिस पे ही ट्रेड लें, और जो भी ब्रेकआउट कैंडल हो वो कैंडल का स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करें, पूरे दिन के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड ना करें।
हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस लंबा हो और फिर आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मैच ना कर सके। तो दूसरा हमारा स्टॉक आता है अर्नम प्रॉपर टेक लिमिटेड, तो उसका भी अपन चार्ट देख लेते हैं। तो इस तरह से अपन जब सबके चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है हमने इसमें मॉडिफाई की है, और जो भी लिंक जिन्होंने ऑलरेडी ले रखा है, परचेज कर रखा है और यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट आपने जहाँ से परचेज किया है या जो मैंने आपको लिंक शेयर किया है इसका, वहां से आप अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट में, तो इजीली वो आपका भी अपडेट हो जाएगा। तो अरुणम ये देखिए, ये ऑलरेडी काफी स्टॉक जो है ऑलरेडी काफी वोलेटाइल स्टॉक लग रहा है, काफी बार ऊपर नीचे गया है। तो जो काफी अच्छा जैसे आपको चार्ट दिखा था आईबीसी का, आईबीसी का जो चार्ट देखेंगे तो आपको क्या लगेगा कि जब वो शुरू में था तो काफी लंबे समय से उसमें क्या हो रहा है कि कंसोलिडेशन हो रहा है एक रेंज में। ये देखिए काफी लंबे समय से क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन, छोटी 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 कैंडल बन रही है और फिर ब्रेकआउट कर रहा है। और अरुणम क्या कंपनी है जिसमें ऑलरेडी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे काफी हो रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स के जो पॉसिबल है कि हाँ वो मूवमेंट करेगा, वो थोड़ा डेसी टाइसी सा हो जाता है। अब देखिए इसने यहाँ पे किया मूवमेंट तो जरूर दिखाया, लेकिन ये काफी समय से इसी रेंज में वापस से फंस गया, एक क्लियर कट मोमेंटम या क्लियर कट आपको ये नहीं दिखा रहा है। तो अब जो बोलिंजर बैंड का जो कंडीशन है हमारा स्क्वीज का, तो आपको यहाँ पे लगेगा भी नहीं कि ये यहाँ से यहाँ पे स्क्वीज भी हुआ है क्या। तो एक्चुअली उसमें जब आपका जो स्टॉक्स मोमेंटम ज्यादा कर रहा है, मतलब कि जो वोलेटाइल ज्यादा है, तो उसका जो जो हमारी जो कंडीशन है इसमें, ये कंडीशन है एवरेज टू रेंज के साथ। बोलिंजर बैंड का जो स्क्वीज है वो एवरेज टू रेंज के साथ है, तो एवरेज टू रेंज इसका ऑलरेडी ज्यादा रहेगा इस तरह के स्टॉक्स का। फिर हम बोलिंजर बैंड का स्क्वीज करेंगे तो उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। जब एवरेज टू रेंज कम है और फिर बोलिंजर बैंड स्क्विच कर रहा है, मतलब कि इस तरह का जो है मोमेंटम और फिर बोलिंजर बैंड स्क्विच कर रहा है, तब जो जिस तरह के रिटर्न आते हैं, रिजल्ट आते हैं, वो काफी अच्छे होते हैं। लेकिन ये मॉडिफिकेशन इस स्कैनर में नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिनका एवरेज टू रेंज और बोलिंजर बैंड में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो हमने दोनों ही तरह का इसमें रख रखा है। तो आपको जब स्टॉक इस तरह का जो पैटर्न दिख रहा हो, अब देखिए अगर मैं इसको आगे भी निकाल देता हूं तब भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा है। देखिए एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा था और फिर इसने इसको ब्रेकआउट दिया है और उसके बाद इसने अच्छा मूवमेंट भी शो किया है। अब वैसे ही इस स्टॉक में आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी काफी एक अप डाउन कर रहा है, काफी नीचे आता है, काफी ऊपर जाता है, फिर नीचे आता, ऊपर जाता, फिर इसने ब्रेकआउट किया, फिर कुछ आपको रिटर्न दिया, फिर नीचे गया। अल्टीमेटली ये स्टॉक रिटर्न दिया है, तो ये हो सकता है कि रिटर्न दे और हो सकता है कि रिटर्न ना दे और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए। इस केस में भी आपका स्टॉप लॉस हिट, जो इस कैंडल का लो है, तो बात करें तो यहाँ पे इसके नीचे आ गया था, यहाँ पे भी इसके नीचे आ गया था और यहाँ पे भी नीचे आ गया था, मतलब तीन बार अगर आप कहेंगे तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है अगर आपने स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा रखा है तो। और अगर आपने स्विंग लो का ले रखा है तो आपका स्टॉप लॉस एक भी बार हिट नहीं हुआ होगा। तो इसने भी आज ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम भी इसमें आज काफी अच्छा रहा है। उसके अलावा अपन जो स्टॉक्स हैं वो भी देख लेते हैं। आश्री लिमिटेड, तो आश्री लिमिटेड में कैसा हुआ वो अपन देखते हैं। तो आश्री लिमिटेड ने आज ब्रेकआउट दिया है देखिए, लेकिन इसमें भी देखिए पिछले वाला जो कैंडल मैंने बताया था, और आप इसको साथ में रेजिस्टेंस भी आप देखिए, प्रीवियस रेजिस्टेंस कोई है या और कोई ये बड़ी रेंज बना रहा है क्या। तो आप देखेंगे कि इसमें यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे ये जो पैटर्न है, यहाँ से यहाँ तक ये एक काफी बड़े रेंज में ही चल रहा है। देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो रेंज में आपका जो ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ये आपको एक 29.37 या 29.5 का आपको एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है इस स्टॉक्स में। तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर रेजिस्टेंस के पास में ही अगर आप बाय करेंगे तो वहां से तुरंत रिवर्स भी हो सकता है।
और वहां से रिवर्स न हो और ब्रेकआउट भी कर सकता है। देखिए कोई कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट करेगा या कौन सा स्टॉक ब्रेकआउट नहीं करेगा ये तो स्कैनर नहीं बता सकता। स्कैनर वही चीज बता सकता है जो कंडीशन फिलफिल हो रही है। तो अब इस केस में अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक आ जाया स्कैनर में, बोलिंजर बैंड का स्क्वीज हुआ और इसने ब्रेकआउट किया है। अब साथ में देखेंगे कि यहाँ से इसमें इस दिन यहाँ से तक गया था प्राइस और सेलिंग इसमें आई थी, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाता है, एक रेजिस्टेंस का लेवल हो जाता है कि जहां से सेलिंग इसमें स्टॉक में आई थी। भले ही इसने जो लास्ट क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग दी है, जो हाईएस्ट क्लोजिंग अभी दी है, लेकिन जो हाई है उससे अभी भी ये नीचे है। अब इसने यहाँ पे भी इस दिन भी 12 नवंबर को भी ब्रेकआउट दिया था और काफी अच्छा रिटर्न दिया है। 12 के बाद अगर मैं बात करूँ 20 अक्टूबर की, तो 20 अक्टूबर के बाद जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, नेक्स्ट डे ही कैंडल अगेन ईएमए के पास में आ गई और बहुत दिनों तक वहीं पे कंसोलिडेट करती रही। और इससे पीछे भी इसने अगर दिया है तो आप इसको जूम आउट करके देख सकते हैं कि इसने कहीं पे दिया है, इस स्कैनर में ये आया है या नहीं आया है। तो फिर अगला अगला स्टॉक देखते हैं, इंडस टावर लिमिटेड। तो इंडस टावर लिमिटेड जो स्टॉक है उसको भी अपन देख लेते हैं। तो इंडस टावर लिमिटेड ने भी हमें आज ब्रेकआउट दिया है और ये इसका ब्रेकआउट अगर आप देखेंगे तो पीछे की सभी हाई के ऊपर क्लोज हुआ है काफी समय का। ये देखिए ये जो हाई है इसका 197 के आसपास, जो कि लगभग आपका जो यहाँ तक का 2023 जनवरी तक का जो है सिस्टम उसमें ये हाईएस्ट हाई है। और इससे पहले इसने आपको दिया था यही सेम स्कैनर में रिजल्ट आपको दिया था 17 जुलाई को। 17 जुलाई को लगभग इसने 172 के आसपास दिया था और अभी 200 से ये चल रहा है। तो काफी अच्छे स्टॉक्स ये स्कैनर सर्च करता है, मतलब एक तरह का ये ब्रेकआउट कंडीशन ही है जो बोलिंजर बैंड के स्क्वीज से ब्रेकआउट का ट्रेडिंग हम कर रहे हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग एमजे लैंड की अगर बात करें तो एमजे लैंड भी इसमें स्कैनर में आया है। एमजे लैंड ने पहले यहाँ पे दिया था 12 अक्टूबर को, तो 12 अक्टूबर को अगर बात करें तो स्विंग लो के आसपास ये अगेन आया था देखिए यहाँ पे, और वहीं से वापस रिटर्न हुआ ऊपर की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट किया। तब ये प्राइस हमारी थी 34 रुपये और अभी ये 41 रुपये पे चल रहा है। और आज अगेन इसने दिया है लेकिन ऊपर से काफी रिजेक्ट होते हुए नीचे भी आया है। और ये वाला जो प्राइस है यहाँ पे जब सेलिंग स्टार्ट हुई थी तो ये जो प्राइस है लगभग 42 रुपये के आसपास का, तो वो भी इसमें एक पॉइंट हो सकता है। तो कल अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो इसमें ट्रेडिंग की जा सकती है। और इसने नीचे भी कहीं पे दिए हैं या पीछे कभी इस तरह का स्कैनर में आया है क्या, तो आप जूम आउट करके इसमें देख सकते हैं कि आया है या नहीं आया है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की अगर बात करें तो इसको ओपन होने देते हैं और आगे के चार्ट भी अपन ओपन कर लेते हैं ताकि बाद में हमें देखते समय टाइम न लगे। तो महिंद्रा और महिंद्रा की जो बात कर रहे हैं, ये हमारा चार्ट ओपन हो गया है महिंद्रा और महिंद्रा का। तो महिंद्रा और महिंद्रा की काफी अच्छा चार्ट दिख रहा है, काफी समय से ये एक ही रेंज में था और बोलिंजर बैंड का प्रॉपर स्क्वीज भी हुआ है, नीचे बोलिंजर बैंड के लो को भी इसने टच किया है और उसके बाद ये इसके ऊपर की तरफ निकला है, साथ ही सुपर ट्रेंड को भी इसने ब्रेक किया है। अब ये हमारे सुपर ट्रेंड के स्टॉप लॉस के साथ भी हम इसमें सेल कर सकते हैं। अगर ये नीचे आता है इसी रेंज में, सुपर ट्रेंड के आसपास भी आता है, तब भी इसमें अपन पोजिशन बना के सुपर ट्रेंड के स्टॉप लॉस के साथ इसको सेल किया जा सकता है। अब इसका इसका लंबा अगर मैं देखें तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन भी इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इसमें ड्रॉ की जा सकती है। और देखा जा सकता है कि इसने इसको ब्रेकआउट किया है या नहीं किया है। अगर ब्रेकआउट किया है तो हम इसमें अपनी पोजीशन और अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। तो देखेंगे अगर आप इसमें, तो ये इसने इसको ब्रेकआउट भी किया है आप देखेंगे, और ब्रेकआउट करके ये ऊपर की तरफ भी क्लोज हुआ है।
तो ये एक तरह का ट्रेंड रिवर्सल भी किया जा सकता है। इसमें हमें ट्रेंड रिवर्सल होते समय हमें एक चीज का वेट करना चाहिए कि ये अगेन आके इस जो ट्रेंड लाइन है उस पे सपोर्ट ले और फिर वहां से रिवर्स हो, मतलब कि रीटेस्टिंग के लिए हमें इसमें इंतजार करना चाहिए। जब ट्रेंड ऑलरेडी अगर ट्रेंड इस्टेब्लिश्ड ट्रेंड है तब रीटेस्टिंग का हमें इंतजार ना भी करें तो चलेगा, लेकिन जब ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, जो एक डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है, तब हमें एक रीटेस्टिंग का इंतजार करना चाहिए। उसके बाद हमारा था स्टार सीमेंट, जो हम बात कर रहे थे स्टार सीमेंट की, तो ये स्टार सीमेंट का चार्ट है। स्टार सीमेंट का चार्ट में हम देखेंगे कि काफी समय से मूवमेंट जो हो रहा है वो डाइसी सा मूवमेंट ऊपर नीचे चल रहा है। तो अभी आप देखेंगे जिस लेवल पे ये आया है वहां पे अगेन ये 181 का रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई थी, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और बाकी अगर आप देखेंगे तो काफी समय से इसमें इस तरह का पैटर्न बनता है और हर बार इसने अच्छा रिटर्न दिया है जब जब ये अप ट्रेंड में था। अभी ये एक साइडवेज में है, अभी देखिए अप ट्रेंड में था तो यहाँ पे बना, उसके बाद भी अच्छा रिटर्न दिया, यहाँ पे बना तो फिर साइडवेज रहा और फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है। और पीछे और बना है या नहीं बना है इसके लिए आप इसमें जूम आउट करके देख सकते हैं कि और ये पैटर्न इसमें कब बना है। और फिर अगर हम बात करते हैं पीएनबी ग्रिल्स, तो पीएनबी ग्रिल्स लिमिटेड की, तो पीएनबी ग्रिल्स लिमिटेड में भी आज पैटर्न बना है, लेकिन वापिस ऊपर से सेलिंग स्टार्ट हो गई थी और नीचे आके ही इसने क्लोजिंग दी है। तो आप देखेंगे कि जो यहाँ की से सेलिंग स्टार्ट हुई है उसके नीचे ही इसने क्लोजिंग दी है। और इससे पहले इसने कब ऐसा किया है, ये पैटर्न शो किया है, काफी समय से तो इसमें ऐसा नहीं हुआ, एक यहाँ पे हुआ था लेकिन वहां के बाद भी आपको देखेंगे कि इसमें रिजेक्शन ही मिला, ऊपर से आई फिर सेलिंग आई और प्राइस नीचे की तरह ही स्टार्ट हो गई मूव करना। तो इतना अच्छा रिटर्न इसने पास्ट में नहीं दिया है। तो आप बैक टेस्टिंग भी इस तरह से उसमें कर सकते हैं कि हाँ प्रीवियस जब ऐसा बना है तो उसमें क्या अच्छा रिटर्न दिया है या नहीं दिया है। अब इसमें देखेंगे तो अभी ये सुपर ट्रेंड का रेजिस्टेंस इसके पास ही खड़ा है, इसमें बोलिंजर बैंड वाली कंडीशन मेट हो गई, लेकिन जो सुपर ट्रेंड वाली है कंडीशन वो मेट नहीं हुई है। तो एक बार सुपर ट्रेंड का भी ब्रेकआउट कर दे तो इसमें, और ये देखेंगे कि एक डाउन ट्रेंड में भी है तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट इसमें चाहिएगा। तो ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ पे मार्क करते हैं, यहाँ से जो हाईएस्ट पॉइंट होगा उससे, तो ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है इन दोनों पॉइंट। अगर आप पॉइंट नीचे वाला पॉइंट ले लेंगे यहाँ से और यहाँ का, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ये शो करेगा, लेकिन जो अगर यहाँ से यहाँ तक का ये दोनों हाई को मैच करते हैं, और ये तीन हाई को एक्चुअली, एक दो और तीन हाई को, तो इसमें भी अगेन ये थोड़ा सा कंसोलिडेट हो या अगेन नीचे आएगा और फिर ऊपर जाने के चांसेस हो सकते हैं। तो उस हिसाब से हमें अपने रिस्क के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सभी मैं आपको केवल रिजल्ट बता रहा हूँ, आपका इसमें कोई इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ना मैंने इसमें अभी कोई इन्वेस्ट किया है इन किसी भी स्टॉक्स में। फिर है एमिओर्ज, एमिओर्ज की हम बात कर चुके हैं, राउट की बात करते हैं। ये राउट मोबाइल है, राउट मोबाइल लिमिटेड, राउट मोबाइल का तो आईपीओ आया था कुछ सालों पहले ही, और ये भी काफी समय से एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में है। तो इस पूरे कंसोलिडेशन को जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक, जैसे कि 1600 का इसका जो लेवल है, 1612 के आसपास का, तब तक इसमें भी थोड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगेन ये इस लेवल तक जाके अगेन सेलिंग दिखा सकता है। पहले अगर इसमें कभी आया है तो अपन इसमें देख सकते हैं। तो आई थिंक कि इसमें काफी समय से इसमें ये स्टॉक इस स्कैनर में नहीं आया है। उसके बाद जो लास्ट हमारा स्टॉक है वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, मैकडोनल्ड, मैकडोवेल्स। तो मैकडोवेल्स में सुपर ट्रेंड वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हुई है, लेकिन अभी ये भी रेजिस्टेंस के पास में है। तो ऊपर में रेजिस्टेंस है, अभी क्रॉस हुई है और कैंडल भी डोजी सी बनी है, तो इसको भी अवॉइड किया जा सकता है। तो सबसे अच्छा स्टॉक जो रहा था वो आपका देखेंगे कि जिसमें लंबा कंसोलिडेशन हो और
ब्रेकआउट दिया हो और काफी समय नियर कोई आपके रेजिस्टेंस न हो, तो उस तरह के जो स्टॉक्स होते हैं उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। और जिसके पास में ही रेजिस्टेंस है तो उसमें आप या तो अवॉइड कर सकते हैं या तो फिर कॉशियस रहना होगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।